हुई तो वाइट बिल्डिंग दिख रही होंगी, जो ये पहली वाली बिल्डिंग है दिस वन, ये है चर्च, और ये वाली जो बिल्डिंग है ये है म्यूजियम। तो आपको अगर चर्च में आना है तो इसकी टाइमिंग है 9 to 6, और आप तो म्यूजियम आना है तो इसकी टाइमिंग है 9 to 5। तो जब दोनों को देखना हो तो पूरा टाइमिंग सेट करके आएगा पूरा टाइम। दोनों को देखने के लिए कम से कम 5 to 6 hours लगते हैं, ये मान लीजिए पूरा आधा दिन लग जाएगा। तो और ये देखिए चर्च तो देखने लायक है ही, और इसकी आउटसाइड की बाउंड्रीज, गार्डन, लुक एट दैट फ्लोर्स एंड फ्लोर। ये पूरा गार्डन है इस साइड और दिस साइड, और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये भी चर्च है। मैं अभी तक यहाँ पर गया नहीं हूँ लेकिन आपको बताऊँगा यहाँ के बारे में भी। तो अभी गेट, चर्च के गेट के सामने मैं आ चुका हूँ। पहले आपको इधर का दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये जीजस का यहाँ पर मूर्ति लगा रखी है, और ये चर्च का मेन गेट है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। चलिए thank you.
साइड चर्च था और ये म्यूजियम. तो चलिए देखते हैं. ये आपको म्यूजियम दिख रही होगी और के सामने ये अंदर म्यूजियम में 18 to 19 सेंचुरी से लेकर आज तक का पूरा हेरिटेज है. आपको पुरानी जितनी भी उस टाइम ज़माने में निकली हैं, खोजी हैं, निकल वो सब देखने को मिलेगी. 10 रुपये की इसकी एंट्री टिकट है, बट अनफॉर्चुनेटली आप अंदर ना तो फ़ोटो खींच सकते हैं ना वीडियो बना सकते हैं. तो ना तो मैं आपको किसी वीडियो दिखा सकता हूँ ना फोटोज़. तो इनसाइड और इसकी टाइमिंग 9 to 5 है क्लोजिंग. और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये भी चर्च है. इसके अंदर आप फोटोज़ खींच सकते हैं, अपनी नहीं, जो अंदर लगा हुआ है उन सब की. लाइक अंदर पुरानी मूर्तियां हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हैं बोर्ड लगे हुए उसके. तो लगभग पूरा देखने में 1 घंटा मिनिमम लगता है. बाकी अगर आप बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं, देखते हैं और पूरा एक एक डिटेल देखते हैं तो कम से कम 2 घंटे निकाल के आइएगा. और इसके उधर वो भी चर्च है, वो दिख रहा है, वो भी चर्च है. मैं अभी वहाँ पर गया नहीं हूँ तो उसकी डिटेल भी आपको बताऊँगा. पर लाइन लगी हुई है तो आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है. यहाँ से चल के वहाँ से घूम के एंट्री, यहाँ से और एग्जिट शायद इधर से है. चर्च बहुत शानदार है. Basilica Church.